हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर कक्षा 11 की फिजिक्स में और चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन का हमारा चल रहा है। इसका पहला वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण आप जानते हैं कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है या धक्का लगाया जाता है तो उसका वेग बदल जाता है। जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है, अगर आप उसको पीछे से उसकी दिशा में धक्का मारेंगे तो उसका वेग बढ़ जाएगा, और अगर उसके सामने से धक्का मारेंगे तो उसका वेग कम हो जाएगा। तो जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो कल के वीडियो में हमने बात करी थी कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Gf = Gm1m2/r². और जी क्या था? गुरुत्वीय नियतांक था। तो आज की इस वीडियो में हम गुरुत्वीय त्वरण यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और ऊपर से कोई पिंड को हम जब छोड़ेंगे तो वो जब पृथ्वी की तरफ आएगा तो पृथ्वी के आकर्षण बल की वजह से उसके वेग में परिवर्तन होगा, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण जी में और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, जिसको कल हमने पढ़ा था, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होती है, इन दोनों में हमें रिलेशन पढ़ना है, संबंध पढ़ना है। तो इन दोनों में संबंध पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास पृथ्वी है। भाई साहब, पृथ्वी के चक्कर में पेन क्यों नहीं चल रहा? ये हमारे पास पृथ्वी है और इस पृथ्वी का सेंटर पॉइंट हमारे पास यहां पे दे रखा है ओ, और ये पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है कैपिटल आर। ठीक है, हालांकि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, पृथ्वी का जो आकार है वो अंडाकार माना जाता है, लेकिन हम इन स्थितियों में इसे गोलाकार मान करके चलेंगे। ये पृथ्वी की सरफेस हो गई, सतह हो गई, और यहां पर पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई के ऊपर एक छोटा सा पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम है। तो पृथ्वी के केंद्र ओ से ये छोटा पिंड एम है, इसके बीच की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? सर, इसके बीच की दूरी एक तो त्रिज्या हो गई और एक एच हो गया, दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देते हैं? स्मॉल आर लिख देते हैं, और बराबर में हम लिख देंगे सर कैपिटल आर प्लस एच हो जाएगा। क्लियर है? आर प्लस एच हो जाएगा। तो अब हमने जो चीजें यहां पे देखी हैं, पढ़ी हैं, समझी हैं, उनको ही हम पैराग्राफ में लिखेंगे। हम लिखेंगे, माना जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का द्रव्यमान कितना मान लें? पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, ठीक है, तथा पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो भी तो हमें माननी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, तथा पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान, स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है। ठीक है, जो चीजें हमने ले रखी हैं उनको हम पैराग्राफ के रूप में लिख लेते हैं। जो साइंस के बच्चे हैं, कक्षा 9 के बच्चे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये जो पिंड है इसके बीच में और इस पृथ्वी के बीच में आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो मैं यहां पे सीधा लिखता हूं गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों के बीच में लगेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ बराबर सार्वत्रिक बल नियतांक जी, पृथ्वी का द्रव्यमान M1 की जगह हम कैपिटल M लिखेंगे, और इस दूसरे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, और बटा इनके बीच की दूरी को हम स्मॉल r लिख रहे हैं, और इसका स्क्वायर लगा देंगे। इसे हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 है सर ये। और ये जो बल लगेगा इस पिंड के ऊपर, तो ये पिंड नीचे की तरफ गिरेगा, पृथ्वी की तरफ आएगा आकर्षण बल की वजह से, और जब किसी पिंड के ऊपर बल लगता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होने का मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न होगा तो हम इसे कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण, यानी पृथ्वी की वजह से किसी पिंड की गति में त्वरण उत्पन्न होना। तो यहां पे अपन लिखते हैं कि इस गुरुत्वाकर्षण
बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड की गति में जी त्वरण उत्पन्न होता है। स्मॉल जी से हम लिखेंगे, स्मॉल जी त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है साहब, उत्पन्न होता है मान लिया। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? हम यहां पे न्यूटन की गति का दूसरा नियम लगाएंगे, न्यूटन गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम यानी पिंड का द्रव्यमान और त्वरण। यहां पे हम त्वरण को किससे लिख रहे हैं? जी से लिख रहे हैं। तो यहां पे हम फॉर्मूले में लिखेंगे एम जी, इसे हम लगा देंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर है? आप एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, इनको अच्छे से अपने नोट्स में लिख लें, उसके बाद में हम थोड़ा आगे चलते हैं। बेटा समीकरण 1 और 2 तुम्हें नजर आ रही हैं। सर समीकरण 1 का जो बायां हाथ पक्ष है वो भी एफ है, समीकरण 2 का बायां पक्ष है वो भी एफ है। तो जब हम इन समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर लिख दें या 2 से लिख दें, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड इक्वल लिखूं तो मैं लिख देता हूं एम जी, ये राइट हैंड साइड, और दूसरा इसका राइट हैंड साइड है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टा स्मॉल आर का स्क्वायर। अब इसके आगे हमें गणित सीखनी है, और गणित हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है कि बराबर के दोनों पक्षों में अगर एक जैसी संख्याओं से गुणा है तो वो संख्याएं कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास जी की वैल्यू आ गई यहां पर, स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, ये आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पृथ्वी का द्रव्यमान और बट्टा में दूरी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। यहां पे ये जो आर है ये क्या है? पृथ्वी के केंद्र से उस पॉइंट की दूरी है जहां पे हम अध्ययन कर रहे हैं, ये जो अभी आपने देखा एच ऊंचाई के ऊपर। और आर की जगह हम वैल्यू लिख देंगे कि जहां स्मॉल आर जो था वो सर आर प्लस एच था। तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर लगा देंगे। और यदि मान लीजिए कि हम पृथ्वी की सतह पे आ जाएं ऊपर से चलते चलते, तो पृथ्वी की सतह पे जब अपन आ जाएंगे तो एच जो था, ऊंचाई जो थी, वो क्या हो जाएगी? 0। तो यहां पे हम लिखते हैं कि पृथ्वी सतह की यदि हम बात करें, पृथ्वी सतह पर h का मान क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर वैल्यू में h की जगह 0 रख दें तो g बराबर आपके पास फॉर्मूला बनेगा जी एम अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। इसे हम कह देंगे पृथ्वी की सतह के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई के ऊपर है और ये पृथ्वी की सतह के ऊपर है जहां पे एच की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास है, पृथ्वी का द्रव्यमान हम जानते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या हम जानते हैं। इन दोनों वैल्यू को जब अपन इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास जी का मान आ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पे अपन लिखते हैं कि साहब पृथ्वी सतह पर जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर/सेकेंड² होता है। त्वरण का मात्रक आप लोग जानते हैं। अब अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसका फॉर्मूला पृथ्वी की सतह के ऊपर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, याद हो जाना चाहिए यार आपको। तो ये गुरुत्वीय त्वरण यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के ऊपर जाएंगे तो इस प्रश्न में आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे एच का मान बढ़ेगा ऊंचाई पे जाएंगे तो एच की वैल्यू बढ़ रही है, और बढ़ रही वैल्यू कहां है? बटा में है। तो किसी भी संख्या में बढ़ती हुई वैल्यू का भाग लगाएंगे तो रिजल्ट कम हो जाएगा। तो पृथ्वी की सतह से जब अपन ऊंचाई में जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है? 4 तरह के फैक्टर हैं, पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाने पर, पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर,
और अभी हमने बात करी कि सर पृथ्वी तो अंडाकार होती है, तो जो भूमध्य रेखा होती है उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, और जो ध्रुव होते हैं उनके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, और पृथ्वी अपने एक्स के ऊपर लट्टू की तरह घूर्णन गति भी करती है, अपने एक्स के ऊपर लट्टू जैसे घूमता है, तो उस गति की वजह से भी गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तित तो होता है। तो चार तरह के फैक्टर हैं, उनको हम अगले वीडियोस में तैयार करेंगे। इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं। आप फटाफट वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके इतनी सारी बातें लिख लीजिए। इसके बाद में हम निकालते हैं पृथ्वी का घनत्व कितना है, डेंसिटी कितना है, एकांक आयतन में पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, जिसे हम घनत्व कहते हैं। चलिए फटाफट आप इसको लिख लीजिए, मैं आगे ले चलता हूं आपको। सर पृथ्वी का घनत्व हमें निकालना है, यानी 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का यदि हम एक टुकड़ा ले लें पृथ्वी का, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, या फिर हम इसे किलोमीटर के फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं। तो घनत्व आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, घनत्व की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। घनत्व का संकेत जो है उसे अपन रो कहते हैं, ये पी की तरह लिखा जाता है, इसका नाम होता है रो। और घनत्व का फॉर्मूला होता है कि साहब किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान में वस्तु के आयतन का हम भाग लगा दें तो हमारे पास घनत्व आ जाता है। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान हम टोटल ले लेंगे और पृथ्वी की त्रिज्या अगर हमारे पास है, तो पृथ्वी को हम गोलाकार मान करके चल रहे हैं, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³ है ना, गोले का आयतन कक्षा 10 में पढ़ा आपने। तो पृथ्वी के द्रव्यमान में, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान हम कैपिटल एम ले लेते हैं, और इसमें हम पृथ्वी के आयतन 4/3 π R³ का भाग लगा देंगे तो हमारे पास घनत्व रो आ जाएगा। ठीक है, अब यदि मुझे द्रव्यमान निकालना पड़े, हाँ यदि मुझे द्रव्यमान निकालना पड़े, तो ये जो घनत्व की, ये जो आयतन की वैल्यू बटा में है वो दूसरी तरफ जाकर के घनत्व से गुणा हो जाएगी, तो m के बराबर में हम क्या लिख सकेंगे, सर घनत्व इंटू बटा का जो आयतन है 4/3 πr³, ये गुणा में चला जाएगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी आपने ऊपर वाले डेरिवेशन में पढ़ा था सर, चूंकि स्मॉल जी बराबर होता है जीएम अपॉन आर का स्क्वायर, तो जी को हम यहां पे रख लेंगे, बटा में हम आर के स्क्वायर को लिख लेंगे, और ये जो एम है इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख लेंगे, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, रो आ जाएगा, फिर 4 आएगा, बटा वाला 3 आपके पास यहां चला जाएगा, पाई रह जाएगा और आर क्यूब रह जाएगा। तो सर ऊपर आर की पावर 3 है और नीचे आर की पावर 2 है, ये खत्म कर देगा, तो ऊपर आर रह जाएगा, तो जी रह गया, रो रह गया, और कितना रह गया बेटा, 4 रह गया, पाई रह गया, आर रह गया, और बटा में रह गया आपके पास 3। हाँ अब हमें निकालना क्या था, हमें तो घनत्व निकालना है, तो घनत्व को तो हम यहां रख लेंगे, बटा का 3 गुणा में चला जाएगा, और ये जो बाकी की बची हुई वैल्यू है वो डिवाइड में आ जाएगी, तो हमारे पास घनत्व रो का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये 3 गुणा में जाएगा, तो सर 3g/G4 πr हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इन सब की वैल्यूज लिखते जाएं, तो वैल्यू चीज कितनी है, 3 तो है ही सही, जी का मान सर 9.8 होता है ना, और ये कैपिटल जी 6.67 × 10 की पावर -11, 4 हमारे पास है, पाई का मान हम जानते हैं 3.14, और कैपिटल आर जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है, और पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है आर बराबर, वो आपने पढ़ा है 6400 किलोमीटर में है, लेकिन हम इसको किलोमीटर में ना लिख करके हम बेटा इसको मीटर में लिखेंगे, तो 64 को मैंने यहां रख लिया, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से गुणा करते हैं, और 2 यहां पे गुणा चल रहा है, तो 10 की पावर 5 मीटर हो जाएगा, तो ये हमारे पास 64 × 10 की पावर 5 से हम इसको वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब इस पूरी वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, तो जब अपन इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो मैंने रफ में सॉल्व कर ली है, मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो 5.5 × 10 की पावर 3। और घनत्व का मात्रक, घनत्व का फॉर्मूला आपने यहां पे पढ़ा है, द्रव्यमान को हम लिखते हैं किलोग्राम से
और आयतन का मात्रक होता है सर मीटर क्यूब, यानी पृथ्वी का 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचाई का एक कोई टुकड़ा लिया जाए तो उसके अंदर 5.5 × 10³ द्रव्यमान होता है। तो ये वैल्यू जो है वो आप लोगों को अच्छे से याद रखनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा है। अच्छी तरह से यदि हम इनको पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन इसके आगे एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर मुख्य रूप से पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको नोट्स की कॉपी में लिख लीजिए। उदाहरण जो है वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि एक ग्रह है उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है, यानी कोई ग्रह को हम पोल कहते हैं, है ना, पोलर। तो मास ऑफ पोलर ग्रह का जो द्रव्यमान है वो हमारे पास पृथ्वी के द्रव्यमान को अपन मास ऑफ अर्थ कह देते हैं और उसका 8 गुना है, ठीक है। और उसकी त्रिज्या यानी आर ऑफ उस ग्रह की जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की 2 गुनी है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ का 2 गुना है। तो इस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कीजिए, यानी जी ऑफ पी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम सीधा लिखेंगे कि साहब पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सतह के ऊपर, पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? बोलो, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला सर जी ई जो है वो हमारे पास होता है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और ग्रह की सतह के ऊपर क्या हो जाएगा? ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन अब की बार हमारे पास जो द्रव्यमान और त्रिज्या है वो हम उस ग्रह का ले लेंगे, तो जी पी से हम लिखेंगे। तो जी मास ऑफ दैट पोल, उस ग्रह का द्रव्यमान और रेडियस उस ग्रह का ले लेंगे, तो पी हमारे पास यहां पे हमें लिखना। तो वैल्यू रख दें, जी तो है ही सही हमारे पास, और एम पी की जगह हम लिख सकते हैं 8 ME, 8 ME, और आर पी की जगह लिख सकते हैं हम 2 RE। तो इसका जब अपन स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये RE का स्क्वायर हो जाएगा। 8 को हम 2 से 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, और बाकी क्या रह गया? जी मास ऑफ ई अपॉन RE का स्क्वायर। नहीं आए समझ में? और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये हम समीकरण नंबर 1 से रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह। सर ये तो पृथ्वी की सतह पे त्वरण आ गया, तो हम लिखेंगे कि जी पी जो है वो 2 गुना हो जाएगा जी ई का, यानी उस ग्रह की सतह पर जो उसका गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 2 गुना है। 2 गुना है। तो ये प्रश्न सीधा भी पूछा जा सकता है कि कितने गुना त्वरण होगा पृथ्वी की सतह की तुलना में। और प्रश्न में आप पढ़ रहे हैं कि साहब पृथ्वी की सतह पे जो जीई की वैल्यू है वो हमें 10 दे रखी है, तो जीई की जगह हम 10 रखेंगे तो ये 2 से गुणा करेंगे तो 20 मीटर/सेकंड² इसका मात्रक लग जाएगा। तो उस ग्रह की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 20 मीटर/सेकंड² हो जाएगा। बड़ा इजी प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य रूप से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और कंप्लीट मैथमेटिक्स यहां पे यूज करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया और आप लोग संतुष्ट हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज आप इस वीडियो का लिंक जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में हमें सुझाव भी लिखें। और इसी तरह से कक्षा 11 की और कक्षा 12 की फिजिक्स के और वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए
एक और प्रश्न जो है वो मैं आप लोगों को यहां पे होमवर्क के फॉर्मेट में दे रहा हूं, आप लोग उस प्रश्न को सॉल्व करें और उसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न जो है वो आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, ये जो प्रश्न आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देखेंगे, चलिए मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूं। पहले ये जो अभ्यास प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करें और इसका आंसर जो है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।